नमस्ते बच्चों, कक्षा छठी, विषय हिंदी। सबसे पहले बच्चों आप देखें, मैं एक वाक्य बोलूँगी, आप में उसमें से देखना है कि विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। जैसे हमें दिन रात परिश्रम करते हुए सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए तथा असफलता से दूर रहना चाहिए, ठीक है। शब्द क्या हुआ? सफलता। और विलोम शब्द क्या है? असफलता, ठीक है। आओ बच्चों देखें हम इसकी परिभाषा विलोम शब्द की। वे शब्द जो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जो किसी शब्द का उल्टा जो उसके विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, दिन रात, दिन के बाद क्या आता है? रात। हंसना रोना, अमीर गरीब, अनुकूल प्रतिकूल, आदि अंत, पसंद नापसंद। जैसे मुझे लाल सूट बहुत पसंद है और मेरी बहन को लाल सूट ना पसंद है, ठीक है, जो उसके विपरीत होता है, ठीक है। जैसे कोमल कठोर, उतार चढ़ाव, चेतन चढ़, सुख दुख, जीत हार, ठीक है, कभी जीत होती है कभी हार होती है, लाभ हानि, नया पुराना, दोस्त दुश्मन, चतुर मूर्ख, ठीक है। और उसकी इसकी कुछ और उदाहरणें देखिए, जैसे बच्चों आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, नवीन प्राचीन, न्याय अन्याय। जैसे कभी न्याय मिलता है किसी को और न्याय का विपरीत शब्द क्या है? अन्याय। जैसे इच्छा अनिच्छा, आस्तक नास्तक, संतोष असंतोष, राजा रंक, एकता अनेकता, पाप पुण्य, चल अचल, स्वतंत्र प्रतंत्र, कायर वीर, आदर निरादर, ठीक है। और जैसे आज़ादी और उसका विपरीत शब्द क्या है? गुलामी, ठीक है। ये सभी क्या है? हमारे विलोम शब्द, क्योंकि इसमें एक शब्द का, जब हम किसी भी शब्द का उल्टा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो बच्चों आज हमने विलोम शब्द की परिभाषा की और उसकी कुछ उदाहरणें की हैं, और आप सभी बच्चों ने इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इन्हें याद करना है। धन्यवाद।